खुशी का मौका हो तो मीठा तो बनता ही है, और वो भी मीठा हलवाई से भी बढ़िया घर में। चलो मिलकर बनाते हैं आज के इस वीडियो में रबड़ी, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही स्वादिष्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। शुरू करते हैं हम रबड़ी बनाना दूध की, बहुत ही स्वादिष्ट। ये सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध को डालेंगे और धीमी आंच पर इसको धीरे धीरे चलाएंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। इसमें हमने जो दूध इस्तेमाल करा है वो फुल क्रीम नहीं, बिना क्रीम के दूध है, नहीं तो क्रीम वाला दूध यूज़ करते हैं तो ऊपर घी आ जाता है रबड़ी में। अब इस तरह इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे और जितनी भी मलाई साइड में आएगी कढ़ाई में उसको किनारे से अंदर कर देंगे। यही जो हमारी मलाई है बाद में दानेदार दूध बन जाएगा, रबड़ी बन जाएगी। इसको दूध को इतना पकाएंगे कि दूध आधा रह जाए। जब हमारा ये दूध उबल कर बहुत गाढ़ा हो जाएगा, आधा रह जाएगा, तब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद भी हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें गाढ़ापन नहीं आ जाए, दानेदार रबड़ी ना बन जाए। जब ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी, इस तरह दूध दानेदार बन जाएगा, तो इसका मतलब हमारी रबड़ी तैयार है। इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे और ऊपर से हम केसर डाल देंगे। ये बहुत ही बढ़िया हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। रबड़ी बनकर तैयार है, दिखने में जितनी बढ़िया लग रही है खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। कोई भी खुशी का मौका हो घर में आप बना सकते हैं रबड़ी, हलवाई से भी बहुत बढ़िया बनेगी। इस रेसिपी को आप ट्राई करना। अगर आपकी रबड़ी बहुत बढ़िया बने तो मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना। धन्यवाद।